जानते हैं, बाहर के लोगों को जानते हैं। मैं इस समय जहां मौजूद हूं वहां ये जो बैरिकेडिंग लगी है, इसके बाद कुछ ही दूर पर होटल सूर्यागढ़ है जहां पर सभी विधायकों को लाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी यहां पहुंचे हैं, इसी होटल में ठहरे हैं। जो कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी है अविनाश पांडे और राष्ट्रीय प्रवक्ता है रणजीत सुरजेवाला, वो भी यहां पहुंचे हैं और एमएलए पहुंचे हैं। 6 चार्टर फ्लाइट से आज पूरे दिन भर में ये सभी लोग यहां पहुंचे हैं और अभी रात में यहीं रुकेंगे। कल सुबह और चार्टर फ्लाइट से एमएलए यहां पर पहुंचेंगे। कुल कितने एमएलए आ पाए हैं अब तक ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन मुख्यमंत्री और बाकी एमएलए यहां पर पहुंच गए हैं। ये रोड जो है बॉर्डर की तरफ जाती है। इस बैरिकेटिंग के बाद आगे कुछ गांव भी हैं। सम जो कि एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, जो सम के रेतीले टीबे हैं जो कि फेमस है, जिनको देखने के लिए दुनिया भर से या कहना चाहिए सात समंदर पार से विदेशी सैलानी हर साल आते हैं। धनाना गांव भी है जहां भी कुछ लोग जो है वो यहां लगातार जा आ रहे हैं। और इसके साथ ही आगे फिर पाकिस्तान की सीमा आ जाती है। पूरे कड़े सुरक्षा प्रबंध यहां पर किए गए हैं और इस बीच में कुछ देख सकते हैं कि कांग्रेस के समर्थक हैं वो भी यहां पहुंचे हैं बकायदा कांग्रेस के झंडे लेकर। आप कैसे आए हैं यहां? यह हमारी राजस्थान की सरकार आई है जैसलमेर, उसका स्वागत करने के लिए, और जो षड्यंत्र करके हमारे वोट की कीमत कर रहे हैं भाजपा वाले, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए हम यहां आए हैं। आपका यहां पर किसी ने बुलाया है आपको या कोई? हम अपनी मर्जी से यहां आए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम। कांग्रेस अशोक गहलोत के समर्थन में आए हैं। कांग्रेस की सरकार पूरे जैसलमेर आई है, हमारा सौभाग्य है कि पूरी सरकार हमारे यहाँ आई है और हम इसकी पुष्टिंग करने के लिए अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तो ये कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, अपना ही समर्थन व्यक्त करने के लिए आए हैं कि आज जैसलमेर में उनकी सरकार है, उनके नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ जैसलमेर पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन संजय अशोभा के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज जैसलमेर से।